गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नैना। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली क्रिसमस मेकअप लुक, एंड देख सकते हैं लुक मैंने क्रिएट किया है। एंड आप क्रिसमस पे कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी के भी साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। एंड देख सकते हैं कहीं पे भी जा रहे हैं, या न्यू ईयर पे भी जा रहे हैं, क्रिसमस पे भी जा रहे हैं, अदर भी कहीं पे भी जा रहे हैं, तो ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टिंग। सबसे पहले मैंने प्लम का मिस्ट ले लिया है, एंड इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, ट्रस्ट मी। एंड ये बहुत अच्छा वर्क करता है, आप CDM हमेशा प्रेफर करें। फिर मैंने ओले की ये मॉइस्चराइजर क्रीम ले ली है, बहुत कम क्वांटिटी लगाई थी क्योंकि मेरा फेस ऑयली हो रखा था पहले से ही, इस वजह से। एंड इसको अच्छे से मसाज कर लीजिए, इस तरीके से मैंने कर लिया है। फिर मैंने स्विस ब्यूटी का ये रियल बेस प्राइमर लिया है, एंड इसका तो इतना कम प्राइस है, बट ट्रस्ट मी इतना अच्छा वर्क करता है। ये ड्यूप है मैक का, मैक के स्ट्रोब क्रीम्स जैसा ही है, ये ड्यूप है, बट उसमें थोड़ा अच्छी क्वालिटी है। एंड ये थोड़ा सा है लो प्राइस में, हमारा बहुत डिफरेंट है। फिर मैंने ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया, मैं कंसीलर से ही मेकअप कर रही हूँ। आप क्रिसमस पे जा रहे हैं तो यार फाउंडेशन तो यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए कंसीलर से ली मैंने, थोड़ा हाई कवरेज भी अच्छी मिल जाए एंड फाउंडेशन जैसा भी ना लगे, तो इसलिए मैंने कंसीलर लिया है। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, एंड इसका भी प्राइस बहुत अच्छा है। ये कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। फिर मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का ये लूज पाउडर ले लिया SD वाला, एंड मैंने ये 2-3 बार पहले भी यूज़ किया है, और मैंने बहुत इन्फ्लुएंस को देखा है इसे यूज़ करते हुए, ये अच्छा है एंड बहुत अच्छा वर्क करता है। मैंने अच्छे से अपने फेस को बेक कर लिया है। फिर मैंने स्विस ब्यूटी के ब्लशर पैलेट ले लिया, इसी पैलेट से मैंने पूरा फेस, आई, सब कुछ इसी पैलेट से किया है। तो मैंने कंटूर ले लिया, इसमें ब्राउन शेड पिक कर लिया, फिर कंटूर कर रही हूँ मैं इस तरीके से, देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से आपको कंटूर कर लेना है, देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। एंड ये पैलेट बहुत अच्छे, इसमें आपको सारे शेड्स मिल जाएंगे, कंटूर, हाईलाइट एंड ब्लशर। फिर मैं ब्लशर पैलेट ब्लश इसमें से यूज़ कर रही हूँ, इसके मैंने 2 शेड पिक किए हैं, एंड ये बहुत नेचुरल लुक देता है, एंड एकदम क्लासी लगता है, बहुत नेचुरल, एकदम आप कभी भी जैसे बजट में जाना चाहते हैं तो इस डेफिनेटली इस पैलेट को परचेज कर लीजिए, क्योंकि इसमें सब कुछ मिल जाता है यार। आप इस पैलेट से ना आईज मेकअप भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे ब्राउन, पिंक एंड गोल्डन एंड रोज गोल्ड कलर का इसमें शिमर है। फिर इसी पैलेट से मैं हाइलाइटर ले रही हूँ, मैंने बहुत कम क्वांटिटी लगाई थी क्योंकि हमारे को घूमने ही जाना है या क्रिसमस पे हम कहीं पे भी जा रहे हैं, तो इस वजह से मैंने बहुत कम क्वांटिटी लगाई थी। आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, बट मैंने बहुत मिनिमम मेकअप किया था क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी नहीं चलता, इस वजह से। फिर मैंने स्विस ब्यूटी की 9 कलर वाली आई शेडो पैलेट ले लिया, इसमें से मैंने लाइट ब्राउन कलर का मैंने आई शेडो पिक किया है। मैंने पूरी आईलाइट पे बस थोड़ा सा मिडल छोड़ा था, बाकी मैंने पूरी आईलाइट पे पिक कर लिया इस तरीके से, एंड देख सकते मैंने बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया, बट मुझे बहुत काली काली लग रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा स्विस ब्यूटी का ही हाइलाइटर हल्का हल्का लगाया था, वो मिस हो गया मेरे से क्लिप। एंड फिर मैंने नायका का मस्कारा ले लिया है, एंड मस्कारा लगा के तो बहुत अच्छा लुक आ जाता है। एंड मैं लाइनर लगाया नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है पर्सनली लाइनर, इस वजह से मैं नहीं लगाती। आप लोगों की चॉइस है, आपको अच्छा लगता है तो आप लगा सकते हैं, एंड देख सकते हैं मस्कारा लगाते ही वॉल्यूम कितनी अच्छी आ जाती है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं मैंने पूरा लुक बड़ा सुंदर लग रहा है। फिर मैंने मिस क्लियर की ये आईब्रो पेंसिल ले लिया। आईब्रो तो यार आप कभी भी सिंपल भी कहीं जा रहे हैं तो फिल ज़रूर करें, क्योंकि आईब्रो से पूरा लुक चेंज हो जाता है आपका, इसलिए आप आईब्रो हमेशा कैरी कीजिए, हमेशा आईब्रो फिल करके ही जाइए, बाहर भी जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है आईब्रो फिल करके। फिर मैंने इसकी स्पूली से इसको कर लिया, ये भी बहुत बजट में आ जाती है, बहुत अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगी। फिर मैंने स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक ली है, इस लुक में मैंने ऑलमोस्ट स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट ही यूज़ किए हैं क्योंकि वो बजट में मिल जाते हैं आपको, डेफिनेटली बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। एंड इसका शेड थोड़ा सा न्यूड में मैंने पिक किया था क्योंकि मुझे बोल्ड नहीं चाहिए था कुछ ज़्यादा, एंड ये लिपस्टिक बहुत सुंदर लगती है मेरे पर। फिर मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का ये
लिप ग्लॉस लिया है, आजकल बहुत ग्लॉसी ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने भी लगाया। अब मैंने भी ट्राई किया, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है लगा के। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली कज़न, जिसको भी आप कर सकते हो उसको करिए। एंड प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइए करें। एंड आपको मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से एंड मेरी फैमिली की तरफ से। ये मेरा फाइनल लुक है, आप प्लीज़ कमेंट करना है कैसा लग रहा है मुझ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।